हेलो दोस्तों, आप सबका भारत के सफ़र में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट मुंबई ट्रिप के बारे में, आप कैसे प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में मैं प्लान कर रहा हूं, आप 2 डेज़ का प्लानिंग है, तो 2 डेज़ पे आप कहां पर रह सकते हैं और कौन से प्लेसेस जो मस्ट आपको मुंबई में देखनी चाहिए। तो ये वीडियो कम्प्लीट देखेंगे तो आपको मुंबई के बारे में सारी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका मुंबई प्लानिंग हो रहा है, ये जो रिसेंट वीडियो देख रहे हैं 2023 की मेरा मुंबई ट्रिप की वीडियो है। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस है गेटवे ऑफ इंडिया एंड होटल ताज, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, तो डेफिनेटली आपको वह देखना चाहिए। तो पहला दिन आप क्या करेंगे, आप आएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास, वहाँ पर करीबन 3-4 किलोमीटर लंबी एक सी बीच के साइड में ही रोड है, जो लंबी लंबी बहुत सुंदर रोड है, उसके साइड में आपको होटल्स वगैरह मिलेंगे। तो वहाँ पर कोई भी होटल बुक, क्वींस नेकलेस है पास में ही है, तो आपको व्यू दिखाता हूँ। हम रुके हैं इस होटल पे, आगे जो है सी व्यू होटल, ये अच्छा है, यहाँ पर पार्किंग भी है। और उसके पास है स्ट्रांड होटल और एक हार्बर होटल है ना, वो भी इधर ही है, देखो उसके ऊपर आता है होटल हार्बर। तो यहाँ पर आप कोई भी होटल में रुक सकते हैं। आपको एवरेज प्राइस करीबन 3,000 से लेके 6,000 तक प्राइस रहेगा, लेकिन वो वर्थ है मेरे हिसाब से, आप रह सकते हैं। तो वहाँ रह के आप वॉक करके आप घूमने चले जाइए गेटवे ऑफ इंडिया, वो करीबन आपको 1 घंटा लगेगा, वो अच्छे से आप फोटोग्राफी करेंगे। फिर होटल ताज को भी देखिए, वहाँ बैठिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं बैठ सकते हैं आराम से। एंड सबसे अच्छी बात, आप ताज होटल में आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट टी कर सकते हैं, एंट्री अलाउड है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर प्राइस जानना चाहते हैं दूसरे उसका भी अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको मैं बता दूँ, प्राइस करीबन अगर चाय वगैरह के वही 300-400-500 का है, बिरयानी कुछ 1500 रुपया तक रहेगा, ऐसे खाने पीना वगैरह है सब प्राइस अलग है, बट आप एक सोच लो 1000-2000 रुपये में आप आराम से डेफिनेटली ताज में जाके थोड़ा बहुत खा के आ सकते हैं। तो ये पर पर्सन का प्राइस बता रहा हूँ, एक्सपेंसिव है बट वर्थ है, आप जा सकते हैं, अलग एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कवर करने के बाद आप इवनिंग कोई भी 4:30 या 5:30 के PM के पास आप चले जाइए ताज होटल के पीछे तरफ, वहाँ पर आपको काउंटर मिलेगी जहाँ पर डबल डेकर की जो ओपन बस होती है मुंबई की, वहाँ पर टिकट मिलेगी करीबन 150 रुपीज़ का पर पर्सन का रहेगा, वो भी वर्थ है। वो पूरा मुंबई का करीबन 8-10 किलोमीटर क्वीन नेकलेस होते हुए देन टर्मिनल जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी के टर्मिनल से वो है, वो सब रेलवे स्टेशन वो सब घुमा के एंड लाइब्रेरी ये सब घुमा के आपको लाएंगे, वो करीबन 1 आवर्स का पूरा ट्रिप रहेगा बस में, बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप मिस मत कीजिए। तो आपको वो टिकट नहीं मिलता है तो आप पीछे तरफ चले जाइए, वॉक करते हैं ताज होटल के पीछे पीछे, आपको दिख जाएगा कुछ 400-500 मीटर के बाद काउंटर मिलेगा, जो काउंटर आप देख रहे हैं वही काउंटर है, तो वहाँ पर टिकट लीजिए, आपका स्लॉट मिल जाएगा, देन उसके हिसाब से आप वो कवर कीजिए। देन ये है उस दिन का ट्रिप। एंड बीच में अगर आप उस दिन रह रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास, देन आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, मॉर्निंग में ये सब ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के बाद 11-12 बजे के आसपास आप चले जाइए एलिफेंटा कैब। एलिफेंटा कैब आप जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, वहाँ घूमने के लिए 1 घंटा, तो करीबन 3-4 घंटा लगेगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया जाइए, सॉरी एलिफेंटा कैब जाइए, वहाँ 11-12 बजे जाइए, 4 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगी, वापस आइए, फिर आके आप ये ओपन बस वाली जो टूर आप कर सकते हैं। देन ये उसी तरह आपको पूरा दिन हो जाएगा, देन आप चलते हुए भी जा सकते हैं, नहीं तो एक ऑटो ले सकते हैं वहाँ से, ऑटो वगैरह या कैब वगैरह लेके अच्छा बहुत सुंदर लगेगा। क्वींस नेकलेस, इसका व्यू देखिए बहुत सुंदर है, इसका व्यू जो पीछे देख रहे हैं वो ट्राइडेंट होटल है, ये देखिए पूरी मुंबई सिटी इधर दिख रहा है। जो आप न्यूज वगैरह में देखते रहते हैं वो पत्थर वगैरह जो मुंबई का यही है, आई थिंक यार इंडिया है, एयर एशिया क्या किसी का ऑफिस। इवन 7:30 या 8 बजे के आसपास आप चले जाइए, चौपाती एक बहुत फेमस प्लेस है जहां पर आपको वहां रेत मिलेगी, वहां पर इवनिंग टाइम बहुत, ये है मुंबई का फेमस चौपाती, तो यहीं पर आपको थोड़ा मिलेगा सैंड, ये देखिए थोड़ा सैंड वगैरह है, नहीं तो हर जगह यहाँ पर ये अरवेंसी है, बहुत डीप है और पत्थर लगाए रहता है, तो यही एक ही प्लेस में आपको थोड़ा सैंड देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी फेमस है। अभी तो मॉर्निंग है 9 o'clock, उसमें कोई है नहीं, आप इवनिंग 5 PM को आएंगे तो यहाँ भरा रहता है, और ये साइड में देखिए रेस्टोरेंट वगैरह है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, ये बहुत फेमस प्लेस है मुंबई का,
अगर आ रहे हैं रहता तो है, चौपाट। खाने पीने वगैरह का बहुत सारे स्टॉल रहते हैं, तो ये आपका फर्स्ट डे का ट्रिप हो जाएगा। आप अगर कंफर्ट है तो मैंने, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने 2 दिन रुका गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास। तो ये फर्स्ट डे में मैंने सिर्फ ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और आसपास वॉक किया, एंड उसके आसपास कुछ लोकल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है वो सब कवर किया, एंड एलिफेंटा कवर किया, एलिफेंटा कैफ। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने चौपाटी, क्वीन नेकलेस, ये एरिया मैंने कवर किया था, ये मैं किया था। अगर आप एक दिन में ये कवर कर सकते हैं तो नेक्स्ट डे आपका प्लानिंग क्या होगा, नेक्स्ट डे आप चले जाइए बांद्रा की तरफ। बांद्रा में जाइए, बांद्रा में आपको सुपरस्टार शाहरुख खान के घर और सल्लू भाई के घर, उनके घर मिल जाएंगे। देन उसके बाद ये कवर कर, वहाँ पर बहुत सारे अदर फिल्म स्टार के भी घर है, आप वो उनका कवर कीजिए। तो वहाँ पर जो बांद्रा में आप जाएंगे तो आप वो सी लिंक भी आप कवर कर सकते हैं, सी लिंक बीच में आएगा तो वो लोकेशन आप डेफिनेटली कवर करेंगे। जस्ट बांद्रा के वहाँ पर आते होते अंटीला, जो वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव हाउस मुकेश अंबानी जी के घर है, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। देन आप बांद्रा से होते हुए आप चले जाइए ये सब सलमान भाई के घर, ये सब कवर करने के बाद आप निकल जाइए फिर जुहू के तरफ। तो वो जो बीच है वो भी बहुत सुंदर है, क्राउडेड नहीं रहते, आप अपना गाड़ी वगैरह आराम से वहाँ पार्क कर सकते हैं। पार्क करके आप आगे निकल जाइए जुहू के तरफ, तो जुहू बीच की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आप थोड़ा 1-2 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए। फिर आपको अमिताभ बच्चन जी की घर मिलेगा जलसा, तो वहाँ पर भी आप अगर थोड़ा फोटोग्राफी या सेल्फी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डेफिनेटली गार्ड्स वगैरह रहेंगे, आपको मना भी करेंगे, बट यस बहुत सारे ऐसा नहीं कि नहीं खींच सकते, आप डेफिनेटली 1-2 फोटो सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपका एक ट्री, सलमान खान का घर, यह है गैलेक्सी, ये बांद्रा रोड पे है, ये दिख रहा है एक एक बंद होके रखा हुआ है, वही है उनका घर। उनके गार्ड से भी पूछे तो वो बताए हाँ सलमान यहीं पर रहते हैं, मैं पास में जाता हूँ। ये देखिए इनका घर, यह है गैलेक्सी अपार्टमेंट। और मैं आपको दिखाता हूँ मन्नत, शाहरुख खान का घर इधर ही है, ये देखिए मुंबई बस। और यहाँ पर अभी शाहरुख खान का घर है, लोग वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जो बस खड़ी है, वही है शाहरुख खान का घर। देखिए कुछ कुछ लोग खड़े, आज मंडे है तो इसीलिए इतना भीड़ नहीं है। ये देखो शाहरुख खान का मन्नत का घर आ गया, तो यहाँ पर कुछ लोग आके वेट कर रहे हैं। यही है, ये जो सामने देख कर देखो मन्नत लिखा हुआ है, यही है इनका घर। सिक्सटी 70 जो मेजोरिटी फेमस प्लेसेस आप कवर कर लेंगे, एंड बाकी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप रहना चाहते हैं कि 4 दिन, एंड दूसरे प्लेसेस वगैरह कवर कर सकते हैं। दूसरे प्लेसेस में बहुत कुछ नहीं है, आपको वही मुंबई का रियल जो भीड़ बोलते हैं, ट्रैफिक, लोकल ट्रेन, ये सब कवर करना चाहिए, दूसरे लोकेशन जाइए। लेकिन ये जो एरिया है आपको इतना भीड़ उभर कर नहीं मिलेगा, नॉर्मल क्राउड रहते हैं दूसरे सिटी के हिसाब से, लेकिन डेफिनेटली ये वर्थ स्टेइंग है। और आप गेटवे ऑफ इंडिया के पास मैं बताऊंगा, यहाँ पर रह के ही आप जुहू वगैरह आप कवर कर सकते हैं, वहाँ से आप कैब लेके जा सकते हैं, नहीं तो बांद्रा में भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप गेटवे ऑफ इंडिया के पास रहिए, बाकी सब वहाँ से ही कैब लेके घूमिए, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया के पास रहने का एक अलग एक्सपीरियंस है। 2 डेज 3 डेज भी रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप मॉर्निंग में जाके वॉक करते हैं, इवनिंग में वॉक करते हैं, रात 12-1 बजे तक वहाँ पर हलचल रहती है। तो ये मेरा सजेशन है, ये पूरा मुंबई का ट्रिप है, एंड जाइए अच्छा लगेगा। और खर्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो ट्रिप रहता है, मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो कपल्स आते हैं, फैमिली वालों के लिए, तो बहुत मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ते वाला ट्रिप मैं प्लान बनाता हूँ, ऐसे कि जिसका बहुत हाई फाई भी नहीं, मीडियम बजट में ट्रिप रहता है। करीबन आपको स्टेइंग में अगर आप 3 डेज करते हैं अच्छे होटल में तो वही 7-8 थाउजेंड आपका स्टे खर्चा हो जाएगा, देन बाकी आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट में कहाँ से आ रहे हैं वो आपका अलग खर्चा है। और खाने पीने का थोड़ा कॉस्टली है, आपको पर मील्स कुछ 200-400 रुपीज़ होता था, आप पकड़ लीजिए पर पर्सन का खाना एक 4 डेज 400 रुपीज़ होगा पर पर्सन मुंबई में, तो आप जितना दिन उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए।
सो करीबन 12,000 तो पकड़ लीजिए। फिर आप वहाँ से एलिफेंटा जाएंगे वो 1,500, और बाकी कैब्स ऑटो वगैरह वहाँ ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आपको आराम से 50 रुपया, इवन लोकल बसेस भी मिल जाएंगे, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका। ये 10-12 हज़ार में आप मुंबई में एक अच्छा ट्रिप स्टे के साथ खाने के साथ कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग आप कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो फ्लाइट में ट्रेन के वो छोड़ के। तो ये एक अच्छा हेल्दी वाला ट्रिप रहेगा। एंड अगर आप फिर ताज में भी आप डिनर करना चाहते हैं वो आप पकड़ लीजिए, 3,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लगाइए, बट वर्थ है क्योंकि अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये रहा पूरी ट्रिप की डिटेल्स मुंबई के ऊपर। अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है तो आप डेफिनेटली उसमें मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बहुत सारे इंडिया के मैं अलग अलग सब कुछ ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ, तो उसके भी दूसरे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं।